दोस्तों रेड क्रिमिनल आ चुका है GTA 5 के अंदर, रशियन माफिया के साथ इसका हो चुका है पंगा। सब लोग प्लीज़ यार प्यारा सा लाइक करें और देखते हैं रशियन माफिया को मार पाएगा रेड क्रिमिनल। तो गाइस रेड क्रिमिनल यहां पे आ चुका है। फ्रैंकलिन की कॉल आई थी रेड क्रिमिनल को कि भाई मेरा हो चुका है रशियन माफिया के साथ पंगा, तो प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर दे। माइकल के घर पे आए थे, माइकल ने मना कर दिया। और ये स्प्लेंडर बाइक है, इस पे हम जाएंगे। रशियन माफिया के साथ हमारा हो चुका है पंगा, फ्रैंकलिन अब इसकी मदद करेगा। लेकिन माइकल ने साफ ही मना कर दिया भाई, कहता मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, बाइक पे नहीं जाएंगे भाई। फ्रैंकलिन कहता भाई गाड़ी ले ले, बाइक पे गोली वगैरह लग सकती है यार, तो इसलिए हम चलते हैं हमारी स्विफ्ट में। काफ़ी अच्छी लग रही है यार, वाइट कलर की स्विफ्ट। रेड क्रिमिनल के पास वाइट कलर की स्विफ्ट है। और फ्रैंकलिन ने कल नई थार ली थी गाइज, आप देख सकते हो नई थार। लेकिन एक सेकंड, फ्रैंकलिन कह रहा है कि भाई मेरी थार में चलते बुलेट प्रूफ थार है यार, हम स्विफ्ट में नहीं जाएंगे। तो फ्रैंकलिन कहता है चल ओके बहने भाई, तुम्हारी नई थार के अंदर चलते, देख रहे हो भाई कितनी मस्त थार है। फ्रैंकलिन ने कल ही ऑर्डर की थी और आज आ चुकी है थार, महिंद्रा थार, बुलेट प्रूफ है गाइज ये। ओ भाई क्या ही स्पीड है, क्या ही साउंड है, चलानी नहीं आती क्या रेड क्रिमिनल को यार, कैसे चला रहा है ये भाई। कल ही तो नई गाड़ी ली थी थार, ठोक मत दियो यार, फ्रैंकलिन इससे कह रहा है। ये देखो गाइस क्या ही लुक है यार, अलॉय व्हील्स देखो इसके, सिद्धू मूसा वाला की तरह लग रही है गाइस ये तो, मूसे वाले की तरह है ये तो थार। देखना होगा अब रशियन माफिया के साथ क्या होगा, क्योंकि रेड क्रिमिनल काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा है यार। और फ्रैंकलिन भी साथ में है, फ्रैंकलिन काफ़ी भाई दमदार आदमी है जो कभी किसी से नहीं डरता। तो चलते हैं गाइस, फ्रैंकलिन ने भाई बीमा नहीं करा रखा थार का, गाड़ी हो चुकी है ख़राब क्योंकि आज ही गाड़ी की डिलीवरी हुई थी। ओ भाई सुपर जंप, ओ भाई ठोक दी। फ्रैंकलिन यहाँ पे काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा है भाई, कह रहा है पैसे तेरे से लूँगा अगर गाड़ी को कुछ हुआ तो। यहाँ पे भी नहीं है भाई रशियन माफिया, किधर छिपके बैठे हैं गाइस, देखना होगा हमें यहाँ हर एक गली में देखना होगा, कहीं तो मिल ही जाएंगे। ओ भाई फिर से सुपर जंप, सब लोग प्लीज़ यार प्यारा सा लाइक करें और जो चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस हम आ चुके हैं रशियन माफिया के अड्डे पे, फ्रैंकलिन काफ़ी गुस्से में लग रहा है, लेकिन रेड क्रिमिनल कह रहा है कि भाई थोड़ा ध्यान से, पुलिस का पंगा नहीं होना चाहिए। तो एक बार गाइस हम देखते हैं, पहले बात करके देखेंगे, क्या पता वो हमारी बात मान जाए। काफ़ी यार बॉडीगार्ड लगा रखे रशियन माफिया ने, तो इतने सारे लोग सबके पास भाई, कितनी सारी गन है। और एक पुलिस वाला भी है भाई जो हमारी मीटिंग करवा रहा है। रेड क्रिमिनल कह रहे कि भाई मीटिंग करवा दो, लेकिन फ्रैंकलिन काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा है, वो कह रहा है मीटिंग का कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें इनको मारना ही होगा। लेकिन रेड क्रिमिनल कहता है कि भाई पहले देखते हैं, क्या पता बात बन जाए, बात करने से प्यार से बात करेंगे हम लोग सबसे पहले। वो गाइस देख रहे हो क्या बात है यार, कितनी सारी गन है इनके पास, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारी थार के अंदर भाई सब कुछ है, इनसे भी अच्छी अच्छी गन है हमारे पास। अरे यार कितने सारे लोग हैं, फ्रैंकलिन तो डर गया यार, पहले गुस्से में नज़र आ रहा था, अब तो ये पीछे रह गया, कहाँ रह गया। सब लोग प्लीज़ यार प्यारा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भाई पहली बार आया हो। फ्रैंकलिन डर रहा है यार, जब वहाँ से माइकल के घर से चले थे तब तो काफ़ी गुस्से में था, लेकिन अब इनकी गन देख के डर गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, रेड क्रिमिनल भाई सबको देख लेगा, एक एक रशियन माफिया को मार देगा रेड क्रिमिनल, बिल्कुल भी नहीं डर रहा।
चलो गाइस पुलिस वाले की बात सुनते हैं कि ये पैचअप करवा पाएगा या नहीं हमारा, नहीं तो फिर यार इनको मार देंगे सभी लोगों को। फिर माइकल देख लेगा जो होगा, वो एफबीआई के साथ माइकल बात कर लेगा। भाई इसने मना कर दिया, पुलिस वाला ज़्यादा पैसे मांग रहा है यार, पैचअप करवाने के ज़्यादा पैसे मांग रहा है, लेकिन हम पैसा बिल्कुल नहीं देंगे। चलो फ्रैंकलिन चलते हैं यहाँ से, हम वापस चलते हैं। इनको दूर से पहले भाई पुलिस वाले को मारेंगे हम स्नाइपर से, उसके बाद इन सबको मार देंगे, थोड़ा कवर लेंगे। अगर कवर नहीं लिया तो यार ये मतलब इनके पास इतनी सारी गन है, ये हमको मार सकता है। फ्रैंकलिन कह रहा है कि भाई हमें लड़ाई नहीं करनी। रेड क्रिमिनल भाई काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा है, फ्रैंकलिन को ट्रेवर की कॉल आई है। यार ट्रेवर कह रहा है कि भाई टेंशन मत लो, मैं और माइकल भी आ रहे हैं तुम्हारे पास, लेकिन भाई रेड क्रिमिनल वेट नहीं करना चाहता। और यहाँ पे फ्रैंकलिन कह रहा है कि माइकल का वेट कर लेते, लेकिन भाई रेड क्रिमिनल ने निकाल लिया स्नाइपर, कह रहा है पुलिस वाले को मैं मार दूंगा। भाई पुलिस वाले और रशियन माफिया का जो मैनेजर है, इसको यहाँ पे स्नाइपर से मारना चाहता है रेड क्रिमिनल। ओ भाई मार दिया, ओ शिट गाइस लड़ाई हो चुकी है और अभी तक माइकल और ट्रेवर आए भी नहीं। देखना होगा अब क्या करेगा, क्या चीज करेगा अब रेड क्रिमिनल। ओ गाइस क्या बात है, थोड़ा सा कवर लेके एक एक को देख लेगा। फ्रैंकलिन कुछ नहीं कर रहा यार, बुलेट प्रूफ गाड़ी है यार, गाड़ी के अंदर बैठ के मारेगा, सबको मार देंगे गाइस। गाड़ी देख रहे हो यार कितने बुलेट के शॉट्स लगे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फ्रैंकलिन की थार भाई खराब हो चुकी है पूरी तरह से। प्लीज़ यार प्यारा सा लाइक जरूर करें, काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा है यार रेड क्रिमिनल तो। फ्रैंकलिन की थार का क्या हाल कर दिया, काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा है रेड क्रिमिनल। फ्रैंकलिन कुछ नहीं कर रहा, फ्रैंकलिन वेट कर रहा है माइकल और ट्रेवर का। फ्रैंकलिन डरता है कि माइकल गुस्सा करेगा कि तुम्हें सिर्फ बात करने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने तो सबको मार दिया, सबको मार दिया गाइस, रेड क्रिमिनल ने सबको मार दिया। और फ्रैंकलिन की शक्ल देखो यार कितना डर गया, ये एक भाई पुलिस वाला बचा हुआ था इसको भी मार दिया। चलो गाइस अब इनकी सब जो गाड़ी है जितनी भी, सब पे हम टाइम बम लगा के ब्लास्ट कर देंगे। अरे एक पुलिस वाला फिर से आ गया, इसकी गाड़ी पे भी बम लगा देते हैं। भाग जा साले, नहीं तो उड़ा देंगे तुझे। रशियन माफिया की जितनी भी कार है भाई, सब पे हम बम लगा के उड़ा देंगे, ताकि रशियन माफिया के जो ड्रोन है, सबसे बड़ा ड्रोन है, उसको भी पता चल सके कि उसने किससे पंगा लिया है। सारी गाड़ीज को ब्लास्ट कर देंगे गाइस टाइम बम लगा के। पुलिस आए इससे पहले हमें भागना होगा। फ्रैंकलिन की कार बिल्कुल पूरी तरह से खराब कर दी रेड क्रिमिनल ने। एक टाइम बम फ्रैंकलिन के थार पर लगा दी। सब लोग प्लीज यार लाइक करें, नेक्स्ट
वीडियो में देखना होगा माइकल क्या करेगा, गुस्सा करेगा या फिर इसको शाबाशी देगा। रशियन माफिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। भागो सालो भागो यहाँ से। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई। कोई भी नहीं बचा गाइस, सबको मार दिया हमने। चल आ जा मेरे भाई फ्रैंकलिन, मेरे भाई चलते हैं। सबसे पहले तो इसकी थार को रिपेयर करवाएंगे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय टाटा। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिसने भी पहली बार चैनल पे आया हो या सब्सक्राइब किया हो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर करें। Look the fuck out!